देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एडेनियम का प्लांट है और ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है और हर साल फ्रेंड्स इसके ऊपर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स होती है। अभी भी फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं, ये प्लांट फ्लावरिंग्स कर रहा है और इसके ऊपर सीड पॉट्स भी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये प्लांट डोरमेंट था, यानी कि पार्शियल डोरमेंसी में था। इसके ऊपर बहुत सारे लीव्स लगे हुए नहीं थे, ज़्यादा फ्लावरिंग्स नहीं दे रहा था, बस डोरमेंसी पीरियड में था। अभी जैसे कि फ्रेंड्स टेम्परेचर में चेंजेस आ चुके हैं, टेम्परेचर फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ दिन का 28 डिग्री 29 डिग्री के आसपास आ जाता है तब फ्रेंड्स हमें अपने एडेनियम के ऊपर प्रूनिंग करनी है, समर सीजन के लिए इसको रेडी करना है ताकि ये हमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे पाए। ज़्यादा कुछ मेहनत वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ये मेरा एक बड़ा सा एडेनियम है, ये चीज़ आप अपने छोटे एडेनियम्स में भी कर सकते हो। अगर आपका प्लांट छोटा है तो भी आप कर सकते हो, अगर आपका प्लांट बड़ा है तो भी आप कर सकते हो। तो आज फ्रेंड्स ये एडेनियम पे मैं प्रूनिंग करूंगा और फर्टिलाइज़र कौन सा देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसके ऊपर से सारे लीव्स येलो होके गिर गए हैं, फ्लावरिंग्स कुछ जगहों पे निकल रही है, कुछ जगहों पे अभी सीड पॉट्स रेडी हो रहे हैं। तो अभी फ्रेंड्स हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी ब्रांच हमें रखनी है, कौन सी ब्रांच हमें नहीं रखनी है। जो जो ब्रांच आपको रखनी है वही ब्रांच को आप ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम करिए और जो ब्रांच नहीं रखनी है उसको एकदम ही नीचे से कट कर लीजिए। तो ये पहली चीज़ आपको करनी है और ये आपको ही डिसाइड करना है कौन सी ब्रांचेज आपको रखनी है। अगर आपको लगता है कि जो भी ब्रांचेस पतली है, अनवांटेड है, जिसके ऊपर से ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो ब्रांचेस आप हटा दीजिए। सिंपल जो चीज़ है जो हम रोजेज़ में भी करते हैं और दूसरे प्लांट में भी किया है, जो भी अनवांटेड जो डेड ब्रांचेस है, पतली पतली ब्रांचेस है, वो सब हमें हटा देना है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको प्रूनिंग करते दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक ब्रांच है, यहाँ पे फ्लावरिंग्स निकल रही है, इसके ऊपर बहुत ही लंबी ब्रांच है। तो मैं इतनी लंबी ब्रांच नहीं रखूँगा, मैं इसको शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा उसको लंबा नहीं होने दूंगा। अब जो हमें ये प्लांट को ट्रिम प्रून करना है, कहाँ से एग्जैक्टली प्रून करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो ब्रांच है फ्रेंड्स, ये ब्रांच के एक से दो नोड एरियाज मैं छोड़ूंगा, यानी कि ये पहला नोड एरिया है जो मैं छोड़ूंगा, उसके बाद ये दूसरा नोड एरिया छोड़ूंगा, उसके ऊपर से फ्रेंड्स मैं ये प्लांट को कट कर दूंगा। एक ही झटके में प्लांट कट होना चाहिए, या तो आप कोई शार्प ब्लेड के थ्रू आप ये प्लांट को कट कर सकते हो, या तो एक अच्छी शार्प प्रूनिंग सीजर्स के साथ कट कर सकते हो। सेम तरीके से फ्रेंड्स मैं ये वाली ब्रांच को भी कट करूंगा। नीचे वाला एक नोड एरिया है, यहाँ पे एक नोड एरिया है, एक नोड एरिया यहाँ पे है, तो मैं यहाँ ऊपर से इसको कट कर दूंगा। अब ये जो ब्रांच नीचे से आप देख रहे हो, ये ब्रांच देख रहे हो, ये ब्रांच अनवांटेड ब्रांच है जो मैं हटा दूंगा। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ब्रांच भी अनवांटेड ब्रांच है, इसको भी मैं हटा दूंगा। ये एक अनवांटेड ब्रांच है, उसको भी फ्रेंड्स मैंने हटा दी। अब ये जो ब्रांच है, यहाँ से मुझे फ्लावरिंग्स और लीव्स मिल सकते हैं, तो यहाँ से दो नोड एरियाज मैंने छोड़ दिया और ऊपर से कट कर दिया। सेम तरीके से यहाँ से दो नोड एरिया छोड़ के मैंने कट कर दिया और यहाँ पे भी सेम तरीके से मैंने प्रूनिंग की। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग की है। तो यही पैटर्न के हिसाब से मैं पूरे प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर दूंगा। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं सीड पॉट निकल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं तो वो रहने दीजिए, लेकिन मुझे सीड्स कलेक्ट नहीं करने हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेम ही वैरायटी के बहुत सारे एडेनियम्स हैं, इसलिए मैं उसको भी कट कर दूंगा। अब जैसे कि देख रहे फ्रेंड्स, ऊपर से अगर हम अभी देखेंगे, हमारे पूरे प्लांट के ऊपर हमने ट्रिमिंग कर दी है। ये जो देख रहे हैं पूरे प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग हो चुकी है। अब नीचे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये एक ब्रांच निकली हुई है जो एक अनवांटेड ब्रांच है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उसको फ्रेंड्स मैंने वहां से कट कर दिया, हटा दिया। ये जो प्रूनिंग का काम है, प्रूनिंग का काम तो अभी खत्म हो चुका है, अब ज्यादा कुछ भी नहीं करना है।
अब एक चीज ध्यान रखिए, अभी दोपहर का वक्त है फ्रेंड्स, दोपहर के वक्त आपको प्रूनिंग करनी है क्योंकि दोपहर के वक्त ड्राइनेस रहता है और एडिनियम को जब भी आप प्रूनिंग करते हो तो ड्राई क्लाइमेट रहना चाहिए, क्लाइमेट में बिल्कुल भी बारिश या तो मॉइस्चर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे कि देख रहे बहुत ही तेज धूप आ रही है, तो ऐसे में फ्रेंड्स ये जो प्लांट है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यहाँ से हमने प्लांट को कट किया है तो वहाँ पे हमें कुछ लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे अगर आपको लगाना हो तो फंगीसाइड का पेस्ट लगा सकते हो या तो कोई भी आप वैक्स, यानी कि जो कैंडल का वैक्स रहता है वो यहाँ पे आप लगा के उसको बंद कर सकते हो। ये चीज़ इसलिए की जाती है कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन क्रिएट ना हो और आपका जो प्लांट है वो डाईबैक ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर दोपहर के वक्त में आपने ये काम किया है तो सनलाइट की वजह से ये जो पूरा हिस्सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एक नॉर्मली अपने आप ही ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेना चाहते हो तो यहाँ पे फंगीसाइड का पेस्ट लगा सकते हो या तो वैक्स लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं करूँगा और ऐसे ही प्लांट को ड्राई होने दूंगा। अब हम नीचे जाएंगे, नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वीड्स वगैरह निकल चुके हैं, तो ये सारे वीड्स हमें हटा देने हैं। और ये एक एडिनियम की कटिंग फ्रेंड्स मैंने लगा दी थी। और फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा प्लांट का भी एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि आपका प्लांट एक छोटा प्लांट है तो छोटे प्लांट में एक सिंगल डंडी प्लांट है तो बाद में उसके ऊपर भी आप प्रूनिंग कर सकते हो। आपको हाइट आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी हाइट रखनी है अपने प्लांट की। अगर आप बहुत ही नीचे से प्लांट को कट करना चाहते हो तो नीचे से भी कर सकते हो, अगर आपको हाइट पे से प्लांट को कट करना है तो ऊपर से भी कट कर सकते हो। ऊपर से जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को कट कर दिया है, अब ये जो प्लांट है फ्रेंड्स नीचे से अपनी सारी न्यू शूट्स निकालेगा और वहां से वो फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट करेगा। तो ये हिसाब से हम छोटे प्लांट को भी प्रून कर सकते हैं। प्रूनिंग कितनी हाइट पे करनी है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग के पास ऐसे बड़े एडिनियम हो, और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने सिर्फ ब्रांच की प्रूनिंग की है, बहुत सारे लोग ये जो मोटी हेल्दी ब्रांच है उसकी भी कटाई कर लेते हैं, तो ये आपका चॉइस है। अगर आप और प्लांट को छोटा बनाना चाहते हो, शॉर्ट बनाना चाहते हो, तो आप और नीचे से इसको कट कर सकते हो और नीचे से इसके ऊपर शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ से प्लांट को कट किया है तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत ही जल्दी शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लांट को यहाँ से कट करते हो, ये मोटी मोटी ब्रांचेस, जितनी मोटी ब्रांचेस के आसपास से अगर आप प्लांट को कट करोगे तो वहां से शूट निकलने में उतना ही देर लगेगा, यानी कि उतनी ही ज्यादा देर लगेगी। अब थोड़ी ऊपर से फ्रेंड्स हमें इसकी मिट्टी को हटाना होगा। अब जैसे कि ये जो साइड सॉयल है फ्रेंड्स, ये साइड सॉयल में हटा दूंगा धीरे धीरे। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने ऊपर से बहुत सारी मिट्टी हटा दी है, तो अब ये जो साइड वाली जो मिट्टी है वहां पे फ्रेंड्स हम फर्टिलाइजर डाल देंगे। फर्टिलाइजर में अभी हमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना है। ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर एक बायो फर्टिलाइजर है। इसके अंदर आप मिक्स कर सकते हैं वर्मी कॉम्पोस्ट, बोन मील, नीम खली, ये तीन बेसिक चीजें आप मिक्स कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ये फर्टिलाइजर के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स की है, जैसे कि हॉर्न मील मिक्स किया है, स्टेरा मील मिक्स किया है, बोन मील मिक्स किया है, बाद में ब्लड मील मिक्स किया है, तो और वर्मी कॉम्पोस्ट भी फ्रेंड्स मैंने मिक्स किया है। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर मिक्स की है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास इतनी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो बाद में आप वर्मी कॉम्पोस्ट, बोन मील और नीम खली, ये तीन फर्टिलाइजर मिक्स करके ये बायो फर्टिलाइजर रेडी कर सकते हो। बहुत ही इजी फर्टिलाइजर है। इसमें फ्रेंड्स आप एक मुट्ठी भर के वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हो, बाद में आधी मुट्ठी भर के आप बोन मील ले सकते हो, और आधी से आधी मुट्ठी भर के आप नीम खली ले सकते हो। बस इतनी क्वांटिटी इनफ है। और ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइजर हमें पॉट के साइड के डाल देना है। तो अराउंड फ्रेंड्स ये दो मुट्ठी जितना फर्टिलाइजर है। अब ये जो सैंड हमने निकाली है वही सैंड हम फिर से इसके अंदर अप्लाई कर लेंगे। हमने ये प्लांट को फर्टिलाइज भी कर लिया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम अच्छी तरह वाटरिंग कर लेंगे। जब भी पानी देते हो फ्रेंड्स एडिनियम में, तो बहुत ही अच्छी तरह पानी दीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी बिल्कुल भी मत दीजिए, कोई भी प्लांट की मैं बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी प्लांट के लिए सही नहीं होगा।
तो अभी फर्टिलाइज किया है तो इसको अच्छी तरह वाटरिंग कर लेंगे, और फिर से नेक्स्ट वाटरिंग फ्रेंड्स हमें इसके अंदर तभी करनी है जब इसकी सैंड 100% ड्राई हो जाए। अगर आप इसके अंदर उंगली डालोगे तो पूरी ड्राइनेस आपको दिखनी चाहिए, और फिर से तब आप बहुत ही अच्छी तरह पानी दे दीजिए। यही प्रोसेस ओवरऑल पूरे समर्स में चलने दीजिए। पानी देने का जो गैप रहेगा वो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे कि अगर आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और 40 के अबव टेम्परेचर है, 45 के अबव टेम्परेचर है, तो मे भी हर दो दिन के गैप में आपको पानी देना होगा या तो एक दिन के गैप में पानी देना होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 40-42 के आसपास है तो बाद में आप 2-3 दिन के गैप में पानी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेम्परेचर के हिसाब से ही आपको वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने से पहले आपको अच्छी तरह चेक कर लेना है कि सॉइल ड्राई है या नहीं है। अगर आपके प्लांट की सैंड ड्राई नहीं है तो बाद में बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। ये गलती कर लोगे तो बाद में आपका एडिनियम समर्स में फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने एडिनियम के ऊपर प्रूनिंग करने वाले होते हो तब आप वाटरिंग मत करिए उसको, उसकी सैंड को ड्राई होने दीजिए। जब उसकी सैंड ड्राई होगी तभी आप कुछ ये हिसाब से सारी सैंड को बाहर निकाल सकोगे, और बाद में उसके ऊपर उसके अंदर फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकोगे, प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर सकोगे। लेकिन अगर आपने वाटरिंग की है तो उस दिन ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। अब ये प्रोसेस तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रोसेस है जो हमने अभी फॉलो कर दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ये आएगा कि यानी कि 20 से 23 दिन के बाद हमें ये प्लांट के अंदर दूसरा एक फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, और तभी जाके आपका जो ये एडिनियम है वो भर भर के फ्लावर्स देगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।